के बीच में सोफिया नींद ले रही है। देर खा रहा हूँ, चाय बन रही। खेत में ऐसी चाय बनाते हैं? स्वरूपी चाय बना रही है मम्मी के लिए। पापा पीते नहीं है, ये मम्मी है, मम्मी के लिए बन रही है। और गांधव भी नहीं पीती है, और कल्पना भी नहीं पीती है, पापा जी भी नहीं पीते, पापा जी हमेशा पीते थे। आलसी आता है, फिर आलसी के बारे में कहा है कि आलस्यो भत्ता विद्या परस्ति गतम धनम अलप बीजम हस्तक्षेत्रम अलप सेना अनायकम अनायकम। मम्मी काट रही, देखो मम्मी और पापा अभी काटते रहेंगे, और पीहू, कल्पना, गांधव, सोफिया, हम सब घर जा रहे हैं। आ जाओ सबके। तो यहाँ पे कांटे है, इसलिए पीहू उठा के लेके जा रही सोफिया को। कांटे खत्म हो गए, अब सोफिया को नीचे बैठा दिया। खेत में काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये पीहू की बकरी देखो, ये वाली। लोग पड़ोस से बकरी मांग के लाए हैं, क्योंकि चाय बनाने के लिए मम्मी के लिए, है ना। चले, हमारे बकरी वगैरह है नहीं, हमारे पास सिर्फ सोफिया है। निकालो निकालो निकालो। सारी बकरियों को ना इकट्ठा करके उधर लेके जाना पड़ेगा। फसल निकाल के पूरी खुला छोड़ दी, देखो सारी बकरियां गाय खा रही। देखो और पीहू बकरियों को लेके आ रही है। ये देखो मैं मना फंस गया। अब इधर से थोड़े निकलेगा तू, यहाँ से बाहर निकल। गेट है उधर, उधर गेट। हाँ यहाँ से निकलना था। इतनी सारी बकरियां इसमें घुसी हुई थी, गवार खा रही थी, तो मैंने कहा पूरा गवार खा जाए तो निकाल देते। खेत में घुसी हुई थी तो हम लोग निकाल रहे हैं। मेरे चाचा, हाँ चाचा खेत में घुसी हुई थी, हम निकाल रहे बकरियां। ना तो बदबू आ रही है, कल भी भगा दी है। एकदम किसान बन गए आज हमें। देखिए कोई नहीं कह सकता कि आप स्टूडेंट हो या किसान हो, बट स्टूडेंट तो किसान बिल्कुल सिमिलर है ना। अब हमारा घर आ गया है। पीहू खेत गई थी, देखो हाथों पे क्या लगा, देखो रोमन रेस वाले पहने। ये क्या है, क्या ये काम? ये है कि हाथ खराब नहीं होते। अच्छा, ये कितने में आते? 5-5 रुपए। तो हम घर पहुंच चुके हैं। गांधो 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 ऐसे लगेगी इसकी। ये देखो पीहू को, देखो 3-4 घंटे हो गए उधर रखे हुए। टेबलेट फोन रखा हुआ है जीव वाला। पीहू यहाँ पर सो रही है, और अभी मैं पढ़ाई कर रही थी। देखो ये मेरा टेबलेट रखा हुआ है। 4:06 हो गए, बैटरी बहुत डाउन है, स्विच ऑफ होने वाला है। ये ज्योग्राफी कॉपी है मेरी। घर पे ज़्यादा तो स्टडी नहीं की, बट थोड़ी बहुत की थी मैंने। मैप मैंने घर पे बनाया है। सो ये मैंने वहाँ पर बनाया था जिसमें मैं, ये वाला मैंने यहाँ पर बनाया घर पर, ये वाला, ये और ये सारे जो डायग्राम है ये मैंने घर पे बनाए। ये वाले देखो, ये वाला मैप, ये इतने सारे मैंने घर पे किए। कल्पना अभी खेत जाके आई है, और मम्मी ने इसको बोला है कि मुझे, मतलब मुझे बुलाना और कहना कि मतलब खेत में बेर बहुत सारे पड़े हैं, और मतलब आओ और लेके जाओ। उस दिन हम, मैं, पीहू, मेरी बड़ी सिस्टर स्वरूपी, कल्पना, हम सारे गए थे खेत, और बहुत सारे बेर लेके आए। मैं आपको दिखाती हूँ। बेर लेके आए थे ना, वो कहाँ है, दिखा। इतने सारे बेर, मुझे जुकाम लग गया। मैंने बोर खाए तो मैं तो खांसी होने लगी। इतने सारे पड़े और लेके आते हैं। आपको बता देती हूँ कि भैया को मतलब 2-3 दिन हुए तो बुखार आ रहा है। आपको भैया को दिखा दिए हुआ, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ, बुखार आ गया। बुखार है, कल रात को इंजेक्शन लगवा गया गांधो। अभी मैं कम्युनिटी पोस्ट करा, देख। अच्छा, किसका फोटो डाला आपने? पीहू का, पीहू और तेरा। पीहू का और पीहू, ये भी घर का है, ये खेत वाला, ये वाला भी खेत का। अभी नींद आ रही, सो जाऊंगा। जा रही, खाना खा लिया? खाना खा लिया, क्या जा रही है? हाँ मैं जा रही। कल अपने बड़ी सी लकड़ी ली है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कुत्ते बहुत सारे है, तो थोड़ी सी संभावना है हमारे साथ सोफिया, इसलिए कल्पना ने बड़ा सा मतलब लकड़ी का डंडा लिया। देखो तो सोफिया को साथ लाना पड़ा, क्योंकि पीहू सो रही थी, मैंने आपको बताया था, और भैया भी सो रहे हैं क्योंकि तबीयत खराब है उनकी। इसके ना पेट में कांटा लगा हुआ है। सोफिया और पापा आगे जा रहे हैं। देखो कल्पना ये रही। क्या चीज, हिंदी भाषा क्यों करे? बोल रही है कि हिंदी भाषा क्यों बोल रही हो? सबको मारवाड़ी समझ थोड़ी आती है, हिंदी आती है।
ये देखो बेर कैसे नीचे गिर रहे, देखो तो पापा जी ने इतने सारे बेर नीचे गिरा दिए। मैं और कल्पना अब इसको इकट्ठा करेंगे। अरे इसको 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 भगा, इसको भगा। इतने सारे बेर थे और हमने इस तरह इकट्ठे कर दिए। पापा जी भी आ गए हमारे हेल्प करने। क्या होता है आलस्य प्लस उपहता, उपहता मतलब विद्या, उपहता और मतलब मारी जाती है, तो आलस्य से विद्या मारी जाती है। आलस्य भत्ता विद्या और पर अस्तिगतम धनम, दूसरे अपना धन दूसरे के हाथ में गया हुआ अपने समय पर वापिस नहीं मिल सकता है। आलस्य भत्ता विद्या पर अस्तिगतम धनम अल्प बीजम हस्तक्षेत्रम, जैसे जो खेत अब बोते हैं उसमें अगर जो बीज नहीं बोते हैं वैसे ही खेती कर देते हैं तो क्या होगा। उसी तरीके से ये चाय पूरा नुकसान कर दे। अल्प बीजम हस्तक्षेत्रम अल्प सेना नायकम अनायकम, और सेना का सेनापति नहीं होता तो सेना सुनी होती है। मम्मी और पापा खारिया काट रहे, ये रही। इसमें क्या होता है कि बाजरा निकाल देते हैं, उसके बाद जो बच्चा होता है वो गाय के चारा बनाने के लिए काम आता है। खारिया काट रहे और कुछ बता रहे, कुछ बता रहे थे पापा अभी। ये सबसे उत्तम खेती है। हाँ, खेती करने वाला आदमी स्वतंत्र रहता है और खेती से अन्न पैदा होता है, अपन खाते है, तो वो मतलब क्या है कि शुद्ध काम है। और उसके बाद में मध्यम उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, नीच नौकरी को नीच बोला। उसका मतलब क्या है, आदमी स्वतंत्र नहीं रह पाता।